नमस्कार दोस्तों, सम्मोहन के सरल प्रयोग, इजी यूज ऑफ हिप्नोसिस एंड सेल्फ हिप्नोसिस, आज इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। कुछ लोग पूछते हैं सर हिप्नोटाइज कैसे करें, त्राटक कैसे करें, थर्ड आई के बारे में बताइए, तरह तरह के सवाल करते रहते हैं। फिर वो क्या करते हैं, किताबों में ऐसी पिक्चर्स देख लेते हैं, वीडियोज देख लेते हैं, बुक्स पढ़ लेते हैं और पढ़ के पीछे थर्ड आई की कैंडल ले ली हाथ और देखते रहे उसको और आंखों से आंसू बह रहे और कई महीनों से देख रहे हैं और हो रहा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है, यकीन मानो कोई खास बात नहीं हो रही। तो फिर वो और तलाश कर रहे हैं कि थर्ड आई को कैसे डेवलप करें, कैसे हम ब्रह्मांड के समस्त रहस्य थर्ड आई से जान लें, भूत भविष्य और वर्तमान कैसे पल भर में डिस्क्लोज हो जाए। इतना आसान नहीं होता जितना आप सोचते हो। और अगर आपको थर्ड आई या तीसरी आंख के बारे में या सम्मोहन के बारे में, ध्यान के बारे में या मंत्रों के बारे में ज्ञान अर्जन करना है तो आपको योग गुरु की तलाश करनी ही होगी। ये जो बुक्स पढ़ते हो आप, ये जो वीडियोस देखते हो आप, ये जो छोटी मोटी क्लिप्स देख लेते हो आप, ये तो रेफरेंस के लिए है, ये तो इंट्रोडक्टरी नॉलेज है। अब इसको देखकर मास्टर बनने की कोशिश मत करना। जिस डीप लेवल को आप पाना चाहते हो उसके लिए आपको लंबी साधना करनी पड़ेगी, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत सारा समय देना पड़ता है, अचानक सब पल भर में नहीं घटित हो जाता। तो सम्मोहन के सरल प्रयोग करने के लिए आप क्या करो, ये जो आपकी आंखें हैं ना, ये जो आपकी आंखों के अंदर पुतलियां आई बॉल्स हैं, आप हमेशा देख रहे हैं ये रोटेट होते रहते हैं, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी ऊपर कभी नीचे। ये अगर स्थिर हो जाए ना तो सम्मोहन घटने लगता है। ये कब स्थिर होते हैं, जब मन स्थिर होता है, जब विचार स्थिर होते हैं। आंखों का विचारों से बड़ा गहरा संबंध है। मन भटकना बंद कर दे तो आंखें भी भटकना बंद कर दे। कभी मुर्दे व्यक्ति की आंखें देखी आपने, ऐसी स्थिर पुतली ना यहां होती ना वहां होती, स्थिर फिक्स। क्यों? क्योंकि मरे हुए आदमी का मन तो भटकते ही, जब मन नहीं भटकेगा तो आंखें भी नहीं भटकेगी, पुतलियां भी स्थिर हो जाती है। मरे हुए आदमी की आंखें आप ज्यादा समय तक देख नहीं सकते, भयभीत होने लगोगे, डर पैदा हो जाता है, क्योंकि स्थिर आंखों को देखने से हमेशा बचते। आप जरा लोगों को देखना जिनकी आंखें हमेशा यहाँ वहाँ ऊपर नीचे दाएं बाएं भटक रही है ना, उनके मन बड़े चंचल। अक्सर लोगों से मिलना आप तो वो देखना, वो आपकी आंखों में आंखें मिलाकर तो बात ही नहीं करते। कभी आपकी शर्ट देखेंगे, कभी पैंट देखेंगे, कभी बगल वाले को देखेंगे, कभी ऊपर देखेंगे, कभी रोड को देखेंगे, कभी ट्रैफिक को देखेंगे, यहाँ वहाँ भटकता रहता है। तो खुद को हिप्नोटाइज करना हो या फिर दूसरों को हिप्नोटाइज करना हो, सम्मोहन हो, सेल्फ सम्मोहन हो या फिर अदर पर्संस को हमें हिप्नोटाइज करना हो, तो क्या होना होगा, मन में और विचारों में स्थिरता लानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ आंखों से ही और थर्ड आई को डेवलप करके आप सम्मोहन कर पाओगे। स्थिरता, कंसंट्रेशन, फोकस, ये सब बहुत जरूरी चीज है। तो अगर आपको किसी को हिप्नोटाइज करना हो तो आप ऐसा नहीं कि घूर घूर कर देख लेंगे तो सामने वाला डर ही गया, आपकी आंखें घबरा गया। हाँ, जब किसी का ट्रीटमेंट करना है आपको, जब कोई आदमी आपके इन्फ्लुएंस में आपकी बात सुनना चाहता है, तब फिर आप उसको उसकी आंखों में आंखें डाल कर देखो लगातार कुछ सेकंड और फिर सूचना है दो ऐसे, फिर वो आपकी आंखों में खो जाएगा, डूब जाएगा और आपकी सूचना को रिसीव कर देगा। थर्ड आई के प्रयोग करने के लिए सबसे पहले आपको डीप लेवल के मेडिटेशन सीखना चाहिए, उसके बाद फिर आंखों को किसी बिंदु पर केंद्रित करना चाहिए, यानी कि 2 से 4 फीट की दूरी पर कोई बिंदु लगा लो आप, फिर उसे देखो, फिर बहुत सारे डिस्टेंस पर कोई पॉइंट खोज लो, फिर उसे देखो, फिर कैंडल को देखो, यानी कि आप एक किसी निश्चित बिंदु पर देखते रहो और देखते ही रहो और देखते ही रहो और आपकी आंखें ना यहाँ घूमे ना वहाँ घूमे, ना ऊपर घूमे ना नीचे घूमे, ना दाएं घूमे ना बाएं घूमे। जब आंखें स्थिर हो जाएंगी ना तो विचार भी स्थिर हो जाएंगे और जब विचार स्थिर होंगे तो आंखें भी स्थिर हो जाएंगी, दोनों का एक दूसरे से गहरा संबंध है। तो अगर हिप्नोसिस और सेल्फ हिप्नोसिस के प्रयोग करने हो तो हमें डीप लेवल के मेडिटेशन सीखना चाहिए, मन और विचार को स्थिर करने की कला सीखनी चाहिए, तब हम सम्मोहन और आत्मसम्मोहन में कामयाब होंगे। यही हिप्नोसिस की डीप नॉलेज है। अगर आप सचमुच एक हिप्नोथेरेपिस्ट बनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं या फिर इसे छोटे और बड़े लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको ध्यान जरूर सीखना पड़ेगा और लंबा समय देना पड़ेगा मेडिटेशन। ऐसा नहीं कि 10 मिनट रोज करते हैं सर वो रिजल्ट नहीं मिल रहा, 10 मिनट से कुछ नहीं होगा।
जब आप 45 मिनट मेडिटेशन करते हो ना, तो क्या होता है 20 मिनट में तो बॉडी शांत होती है, कहीं यहाँ खुजली हो रही, कहीं इधर अकड़ गया बॉडी, कहीं ऐसे हो रहे, कहीं वैसे हो रहे, तो 20 मिनट में तो बॉडी सेट होती है। और फिर अगले 20 मिनट में माइंड सेट होता है कि यहाँ भागता है, कहीं वहाँ भागता है, कहीं ये सोचता है, कहीं वो सोचता है। तो माइंड और बॉडी को सेट होने में 40 मिनट लग जाते हैं, फिर ध्यान शुरू होता है। तो अगर गहरे ध्यान में जाना है, अगर हिप्नोसिस और सेल्फ हिप्नोसिस के एक्सपेरिमेंट करने, सबकॉन्शियस माइंड का यूज करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करना है, तो 2 घंटे ध्यान करो, 4 घंटे ध्यान करो, 10 घंटे मेडिटेशन करो, लंबा मेडिटेशन करना पड़ेगा। जब तक आप अपने मन को लंबे समय तक स्थिर रखने में कामयाब नहीं होंगे, तब तक ये सारी विधियां काम नहीं करेंगी। तेल में तुक्का जरूर लग जाएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने एक बार मेरे साथ काम किया था, लेकिन बार बार नहीं करता है। अरे क्यों नहीं करता है? अंधेरे में लग गया तीर। किसी समय आप बहुत गहरे मौन में होंगे और कोई विचार चला गया सबकॉन्शियस माइंड में। अब आप तो हमेशा सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, लेकिन कैसे दे रहे हो? एक दे रहे हो, उसके पीछे हजारों विचार आ रहे हैं, पीछा कर रहे हैं, कोई क्लियर मैसेज जाते ही नहीं उसको, कोई संबोधित होते ही नहीं आपसे, क्योंकि मन तो भटक रहा है। तो उसे स्थिर करने की कोशिश करो। जब मन को साधना सीख जाओगे आप, तब ध्यान भी घटने लगेगा, सम्मोहन भी होने लगेगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करने लगेगा, तब सारी टेक्निक्स काम करने लगेगा और जीवन आनंद से भी भरने लगता है, माइंड में पीस भी मिलती है, स्ट्रेस और डिप्रेशन नहीं आता। कुछ ना कुछ मार्गदर्शन मेरी बातों से आपको जरूर मिलता होगा। जो नॉलेज मैंने यहाँ वहाँ से बहुत मेहनत करके कठिन परिश्रम से सीखी, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। उम्मीद है बड़े फायदे होंगे आपको इससे, अगर आप अपने जीवन में उतारेंगे। खाली वीडियोस देखकर सुनकर छोड़ देंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, अप्लाई भी करके देखना पड़ेगा। इतने प्यार से अपना बेशकीमती वक्त देकर जो आप मुझे सुनते हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पसंद आते हो मेरे वीडियो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतने प्यार से मुझे सुनते हैं।